हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी लजीज किचन में। और आज हम बनाने जा रहे हैं दही और गुड़ की लस्सी, जो कि बहुत पुराने ज़माने में लोग बनाते थे। गुड़ की लस्सी तो आजकल बहुत कम लोग पीते हैं, मगर ये पीने में बहुत टेस्टी लगती है और ये बहुत ही स्वादिष्ट होती है और सेहत के लिए भी बहुत अच्छी होती है। तो ये देखिए, हमने एक जार ले लिया है और इसमें हमने थोड़ा सा ठंडा पानी डाला है। जार को हमने अच्छे से धुल लिया था और ये हमने रौबजा लिया है। ये हमारा दही है, दही हमारा बिल्कुल फ्रेश है, इसको हमने घर पे ही जमाया था। और ये हमारा 1 लीटर का दही है, 1 लीटर दूध से हमने इसको जमाया था। तो ये देखिए, अब हम इस मिक्सी जार में इसमें हम पहले गुड़ डालेंगे। तो ये देखिए, हमने 100 ग्राम तक गुड़ हम इसमें इतने गुड़ जार में डाल देंगे। इतनी हमने गुड़ और भी है, ये हमारी 1 लीटर की हम बना रहे हैं, इसलिए हम इसमें इतनी ही गुड़ डालेंगे। और इसमें हम दही, इसमें हम सारा नहीं डालेंगे, इसमें हम सिर्फ 1 चम्मच ही दही डालेंगे और इसको हम मिक्सी में घुमा देंगे। ये देखिए, बस इतना ही। तो इसको हम मिक्सी में अच्छे से घुमा लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने इसको दही और गुड़ को एक साथ मिक्सी में ग्राउंड कर लिया है। तो देखिए, ये हमारा अच्छे से ये पिस गया है। और ये हमने भगोने में दही लिया है, हमने आधा दही इसमें डाल दिया था, आधा दही ये रखा है। तो इसमें हम इसी में इसको ऐड कर देंगे। ये देखिए, अभी हमारी गुड़ जो है वो नीचे थोड़ी थोड़ी रह गई है थी, इसीलिए वो ये देखिए इसमें लगी है। और इसी में हम ये इलायची पाउडर डाल देते हैं। और इसी में हम 2 गिलास पानी डालेंगे। पानी हम ठंडा डाल रहे हैं इसलिए, क्योंकि हमारे पास बर्फ नहीं था, इसलिए हम ये ठंडा पानी 2 गिलास में मिला रहे हैं। ये देखिए, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हमने इसमें रौबजा नहीं डाला है, इसके बावजूद ये इसका कलर ये रेड ऐसा लग रहा है, ब्राउन ब्राउन है। अभी हम इसमें रौबजा डालेंगे तब इसका कलर और डार्क हो जाएगा। इसका कलर इसलिए ऐसा है क्योंकि ये हमने गुड़ से बनाया है लस्सी, इसीलिए इसका कलर ऐसा है। तो इसमें हम थोड़ा सा रौबजा मिला देते हैं, ज़्यादा नहीं, बस हम थोड़ा सा इसमें रौबजा डालेंगे। ये देखिए, इतना सा रौबजा डालने से ये होता है कि इसका टेस्ट और भी अच्छा आ जाता है। और ये हमारी आज नई तरीके की लस्सी है। ये देखिए, और ये हमने कुछ काजू और बादाम और पिस्ता को हमने अच्छे से चॉप कर लिया था और इसको हम इसी में मिला देते हैं। तो ये देखिए, ये लस्सी हमारी बन गई है। तो देखिए दोस्तों, हमारी ये लस्सी बनके तैयार है और ये हमने 1 गिलास भी सजा लिया है अपनी मम्मी के लिए। तो ये देखिए, ये हमारी लस्सी बनके तैयार है। तो ये देखिए, ये इसका जो दही है ये हल्का, मतलब इसके गुठली जैसे दही के नज़र आ रहे हैं। तो ये जो गुड़ वाली लस्सी होती है ये ऐसे ही अच्छी लगती है, इसीलिए हमने आधा दही पीसा था मिक्सी में और आधा नहीं। तो ये दही हमारी ऐसे ही टेस्टी लगती है, आप जब भी बनाइए तब भी ऐसे ही बनाइए, पीने में बहुत अच्छी लगती है। और अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और ये रेसिपी जो है ये बहुत जल्दी और बहुत मतलब आसानी से बन जाती है, आप जब भी चाहिए तब भी इसको फ्रिज में रखा हो दही और बर्फ़ और पानी कुछ भी हो, तो गुड़ निकालिए, अच्छे से बना के पी लीजिए। थैंक यू दोस्तों।